नमस्कार, आप देख रहे हैं ये बड़ी कवरेज। किसका होगा हैदराबाद? जी हाँ, हैदराबाद के म्यूनिसिपल चुनाव की चर्चा कुछ इस अंदाज में है क्योंकि तमाम पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी और जब देश के गृह मंत्री भी पहुंच गए चुनावी प्रचार के लिए तो लगा कि जो ये निजामों का शहर है उस पर पूरे देश की नजर रहेगी। इस कवरेज में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप, मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित। जी हाँ, और हैदराबाद को भाग्यनगर कर देंगे। बीजेपी ने कहा अगर चुनाव जीत गए और हैदराबाद से दक्षिण भारत में कर्नाटक के अलावा दूसरा रास्ता बीजेपी खोलने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में सेंध लगाकर देश में अल्पसंख्यक वोट बैंक को भी निशाना बनाने की तैयारी बीजेपी ने इस चुनाव से की है। यह अलग बात है कि इस चुनाव में 150 सीटें जहां बीजेपी लगभग हर सीट पर ताल ठोक रही है और असदुद्दीन एक तिहाई सीटों पर मैदान में है, फिर भी मुकाबला केवल असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी के बीच है या फिर टीआरएस के लिए असल में यह बड़ी चुनौती होगी कि वहां उनको अपने गढ़ में सेंध लगने से बचाना है। लगातार रुझान आ रहे हैं और देखिए ये आज बैलेट से गिनती है तो ईवीएम वाला झगड़ा भी इस वोटों की गिनती के दौरान नहीं होगा। हमारे साथ आशुतोष रहेंगे। ईवीएम से मुझे आपकी याद नहीं आई, वैसे ही परिचय दिला रहा हूं आपका। आशुतोष लगातार इस कवरेज में हमारे साथ रहेंगे और संजय जी हमारे साथ रहेंगे लगातार चुनाव विश्लेषक सेफोलॉजिस्ट और हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी पहुंची है हैदराबाद, वहां से पल पल का अपडेट हम आपको पहुंचाएंगे। ये तस्वीरें आप जो इस वक्त देख रहे हैं, दो स्टेडियम में मतगणना केंद्र बनाया गया है और 30 केंद्र बने हैं जिसमें हर केंद्र में 14 टेबल लगेंगी। लगभग 34.5 लाख मतदाता हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल इस चुनाव के दौरान किया। हालांकि कई सेलिब्रिटीज भी सामने आए, बार बार कहा कि हैदराबाद के लोगों निकलो वोट करो, लेकिन 46.55% ही वोटिंग हो पाई। इन सब के बीच जब भाग्यनगर बनाने का जिक्र कर दिया बीजेपी ने तो वैसी ने कहा कि इनकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी लेकिन नाम शहर का नहीं बदलने देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने भी पूरी ताकत इस बार झोंकी है लेकिन ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि एक तिहाई सीटों पर ही चुनावी मैदान में क्यों, तो वो इसलिए क्योंकि बीजेपी की तरफ से गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि टीआरएस के साथ एआईएमआईएम का तो इलू इलू आई लव यू वाला रिश्ता है। बहरहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बैलेट पेपर से जो वोटिंग हुई है उसकी गिनती हो रही है और उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिक्र इन चुनावों का इसलिए हुआ कि जब भाग्य लक्ष्मी मंदिर पर पहुंचे खुद गृह मंत्री और वहां से चुनावी प्रचार का उन्होंने आगाज किया। भाग्य लक्ष्मी मंदिर हैदराबाद के एक पिलर से बिल्कुल लगा हुआ है और इसीलिए क्या वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति अपने चरम पर आप हैदराबाद में देखेंगे, इस पर कुछ भी इधर उधर की बात की गुंजाइश बनती ही नहीं है क्योंकि दोनों ही पार्टियां, चाहे वो AIMIM हो या फिर बीजेपी, वो अपने तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति को एक मकाम तक पहुंचाना ले जाती है। और इसी के साथ अगले विधानसभा चुनावों पर भी नजर है बीजेपी की। पिछले दिनों एक बाईपोल में मिली जीत के बाद उम्मीदें उनकी आसमान पर है, अब यहां पर भी। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ रही है। अब चारमीनार के शहर में हैदराबाद में एक जबरदस्त मुकाबला है लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा बीजेपी और ओवैसी की है। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा वर्सेस ओवैसी, टीआरएस हालांकि सबसे बड़ा प्लेयर। चित्रा, बिल्कुल सही कहा अंजना ने आपने, टीआरएस सबसे बड़ा प्लेयर है, वो 150 यानी कि सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव भी लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी 149 सीटों पर चुनावी मैदान में उसने अपनी किस्मत आजमाई और सिर्फ 51 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन सबसे ज्यादा हमला बीजेपी के नेताओं ने अगर किसी एक नेता पर किया तो वो असदुद्दीन ओवैसी ही थे। फिलहाल बार बार भाग्य लक्ष्मी मंदिर का जिक्र आ रहा है और इस वक्त मैं भाग्य लक्ष्मी मंदिर में के बाहर ही मौजूद हूँ। आपको बता दें ये चारमीनार है, चारमीनार का जो दक्षिण पूर्व पिलर है उससे बिल्कुल सटा हुआ ये श्री भाग्य लक्ष्मी मंदिर आज शुक्रवार का दिन है और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना के लिए देखिए दूर दूर से किस तरह से श्रद्धालु यहां पर आए हुए हैं। आपको हम दिखाना चाहेंगे माता लक्ष्मी की तस्वीरें भी क्योंकि लंबी कतार यहां पर लगी हुई है और यही भाग्य लक्ष्मी मंदिर पर सबसे पहले मत्था टेकने के बाद अपने चुनावी अभियान का आगाज अमित शाह की ओर से और के चुनाव प्रचार के दिन किया गया था। और यकीनन ये जो दांव चला गया है बीजेपी की ओर से कि भाग्य नगर हम नाम रख देंगे, अब इससे बीजेपी अपना भाग्य कितना बदल पाती है देखना दिलचस्प रहेगा। बहुत सारे श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे बातचीत करते हैं। भाग्य किसका तय होने जा रहा है आज के चुनाव में? बीजेपी का भाग्य कंपल्सरी तय हो रहा है। क्यों तय हो रहा है, क्या क्या अच्छा किया है बीजेपी ने? बीजेपी अमित शाह जी आए, योगी जी आए, हर कोई आए, उस वजह से
भाग्य कंपलसरी तय होगा, बीजेपी का ही तय होगा, बीजेपी का ही तय होगा। कुछ और लोग हैं, बीजेपी का तय हो रहा है किसी और? बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी 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 का बिल्कुल। माता रानी के दर्शन करने के लिए दर्शन आए, कामना भी यही करते हैं कि बीजेपी ही आए। क्यों कामना करते हैं? कि भाग्यनगर नाम हो जाएगा, बिल्कुल नाम बदल जाएगा और फिर हमारे देश की एक पहचान बनेगी कि नए नाम से हैदराबाद बदल करके भाग्यनगर हुआ। भाग्यनगर कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी लग रहा है कौन सी पार्टी अच्छी है? बीजेपी अच्छी, बीजेपी ही अच्छी है। देखिए यहाँ पर भाग्यलक्ष्मी मंदिर के बाहर जो श्रद्धालु मौजूद हैं वो तो बीजेपी के पीछे खड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पूरे के पूरे इलाके को अंजना एक बार मैं दिखाना चाहूंगी, हमारे कैमरा पर्सन यहाँ पर दिखाएं। ये चार मीनार है जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और दक्षिण पूर्व पिलर से सटा हुआ माता लक्ष्मी का ये मंदिर है। आज शुक्रवार का दिन इसे श्रद्धालुओं की भारी तादाद जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रही है, लेकिन LB स्टेडियम से होते हुए मैं आ रही हूँ जहाँ पर काउंटिंग लगातार जारी है, क्योंकि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हुई। बीजेपी ने जहाँ पर शुरुआती लीड हासिल के TRS उसके पीछे पीछे, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा उसके बाद तस्वीरें यहां पर कैसे बदलती हुई चली जाती हैं, या फिर बीजेपी जो दावा कर रही है अमित शाह की ओर से, इसी जगह से यह कहा गया था कि बीजेपी इस बार अपना मेयर बनाएगी। 2016 में जिस पार्टी ने सिर्फ 3 सीटों पर जीत हासिल की थी, क्या वो इतनी सीटें जीत लेगी कि वो अपना मेयर यहां पर बना लेती है या फिर नहीं, देखना रहेगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन फिलहाल जो दांव बीजेपी की ओर से अपने बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के दिग्गज नेताओं के जरिए यहां पर चला गया है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत वो दांव चलता हुआ तो नजर आ रहा है, लेकिन मेयर तक क्या वो पहुंचेगा ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। और देखिए अमित शाह की तरफ से जो बातें कही गई या बीजेपी के नेताओं ने जो बयान दिए उसके बाद ये सवाल उठा कि निजाम कल्चर को खत्म कर देंगे, ये कहकर बीजेपी क्या निशाना साधना चाहती है? क्योंकि आप तो खुद हैदराबाद में रही है, ओल्ड हैदराबाद को पूरे हैदराबाद का कल्चर बताना, क्या आपको लगता है कि हैदराबाद के लोग इस बात को स्वीकार करेंगे, खास तौर पे तब जब हैदराबाद दुनिया के मानचित्र पे बड़ी साइबर सिटी की तरह देखा जाता है? और सबसे बड़ी चीज ये है कि आज की पूरी परिस्थिति में 50% लोगों ने वोट नहीं डाले हैं वहां। बिल्कुल सही कहा आपने, 46% के आसपास ही वोट प्रतिशत रह गया, जबकि 2016 की बात करें उस समय से सिर्फ 1% ही वोट प्रतिशत बढ़ा है, वो भी तब जब बीजेपी के इतने बड़े बड़े दिग्गज और सभी ने अपनी ताकत झोंकी थी। देखिए 2016 में इतनी ज्यादा चर्चा इस चुनाव की थी नहीं, लेकिन ये जो नाम बदलने का दाव है, देखिए हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश यहां पर बीजेपी की ओर से जरूर की जा रही है। हालांकि ओल्ड हैदराबाद की बात करें तो वहां पर मुस्लिम वोटर की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन पूरे के पूरे हैदराबाद की हम बात करें तो यहां पर हिंदू वोटरों के पोलराइजेशन की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है और उसके जरिए यहां की सत्ता में प्रवेश करने की उसकी कोशिश। लेकिन एक और बात जिसका जिक्र करना, फिलहाल मैं आपको बता दूं ये मेरे पीछे बड़ी सी मस्जिद आप देख रहे हैं और ये पूरा का पूरा इलाका आपको बता दें मार्केट वाला है। अभी जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, सोचिए अभी सुबह के 10:07 हो रहे हैं, लेकिन भीड़ आप यहां के चारों तरफ देख पा रहे हैं, दुकानें भी खुल चुकी हैं। दूसरी तरफ मैं दिखाऊंगी जितनी भी मोतियों, चूंकि मोतियों का ये शहर है रोहित, मोतियों की दुकानें यहां पर खुल चुकी हैं जो उसकी ज्वेलरी, और लोग खरीदारी करने के सुबह सुबह पहुंच गए हैं, कुछ लोग यहां पर फोटोग्राफी करते हुए भी दिखाई दे जाएंगे। लेकिन अपने आप में महत्वपूर्ण है आज का ये जो रिजल्ट आ रहा है भारतीय जनता पार्टी, अंजना यहां पर मैं जिक्र करूं 2016 में 3 सीटें जीतती थी, 2018 के विधानसभा चुनाव में 7% से कम उसका वोट शेयर रहता है, 1 विधानसभा सीट पर जीत हासिल करती है। 2019 में लेकिन यही पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के करिश्मे की बदौलत 20% वोट शेयर तक पहुंच जाती है और उसकी सीटें लोकसभा में 4 हो जाती हैं यहां की 17 सीटों के जरिए। ये तो बात रही लोकसभा की, लेकिन उसका ये जो उत्साह अचानक से बढ़ गया है खासतौर से इस नगर निगम के चुनावों को लेकर, उसके पीछे की बड़ी वजह यह है क्योंकि बीजेपी ने इस उपचुनाव में बुड़ौक सीट पर जीत हासिल की थी और उस उपचुनाव के नतीजों ने बीजेपी को यहां पर काफी ज्यादा उत्साहित कर दिया और इसी वजह से अमित शाह जब यहां पर आते हैं तो दम ठोक कर कहते हैं कि देखिए इस बार तो मेयर भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। तो कुछ देर का और इंतजार, मुझे लगता है कि तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी। बिल्कुल, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं आशुतोष मिश्रा के पास। ये 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आशुतोष, और जहां पर चित्रा खड़ी है वहीं पास में एक बेकरी की बड़ी पुरानी दुकान है, फेमस है, जो जो सैलानी वहां पहुंचते हैं वहां बेकरी की चीजें लेकर जरूर जाते हैं, स्वाद बहुत अच्छा, बिरयानी का जिक्र, चारमीनार वहां पर हमेशा से खड़ा, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी की हुंकार और खास तौर पर अमित शाह की कि इस बार तो मेयर बीजेपी का ही होगा, जमीन पर क्या दिख रहा है, कैसे बात आगे बढ़ रही है? ये हैदराबाद के लिए भी बहुत ताज्जुब वाली बात थी, बहुत चौंकाने वाली थी अंजना, क्योंकि आखिरी दिनों में जब मैं प्रचार यहां पर कवर कर रहा था लगातार, लोग भी कहते थे कभी इतना हाई डेसिबल कैंपेन हमने नहीं देखा, तो ये भी लगा कि जब जिस दिन मतदान होगा उस दिन भी शायद इसका असर होगा, मतदान के दिन उसका असर नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन जितने भी वोट पड़े
उतने वोट में क्या उस हाई डेसिबल कैंपेन का प्रभाव दिखाई देगा? बहुत सारी चुनौतियां हैं और इस बीच हमारे साथ बीजेपी की, अभी मैं आपको बताऊं, एक घंटे पहले तक यहां सन्नाटा था, कोई भी नहीं था, लेकिन जैसे ही पोस्टल बैलेट में बीजेपी नंबर वन पार्टी दिखाई पड़ती है, ये देखिए मजमा लग गया, तमाम सारे डॉक्टर मोहन गुप्ता से लेकर के देवेंद्र रेड्डी, ये तमाम सारे लोग यहां पर इस समय हमारे साथ जमा हो गए। तो इनसे मैं सवालों का सिलसिला शुरू करूं। ये समझना होगा कि जो चित्रा कह रही है कि ध्रुवीकरण से लेकर के ये कहना कि ओल्ड सिटी में सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, बंडी संजय कुमार का वो बयान कि ओवैसी उसके भाई, उसकी पार्टी को मैं अपने कदमों में ला करके झुकाऊंगा, इन बयानों के मायने क्या थे? ये एक नगर निगम का चुनाव था या फिर जिस तरह के मुद्दे थे, टारगेट क्या था, निशाना क्या था? ये जो नगर में इलेक्शन चुनाव थे, ये तो बड़ा बड़ा मामला है, ये हैदराबाद तेलंगाना का हार्ट है। सो इसलिए हियर मेनी पीपल आर वाचिंग, इवन अपार्ट फ्रॉम हैदराबाद, इवन आपका टारगेट मैंने देखा, लड़ तो आप टीआरएस के खिलाफ रहे थे लेकिन कैंपेन और आपके निशाने पर ओवैसी थे। जरूर देखो, अपना कैंपेन जिसके एमआईएम के मामला में, नहीं हिंदू वोट बैंक मामला में, टीआरएस लोग बोलते हैं हम हिंदू वोट बैंक के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा हिंदू वोट बैंक के लिए अकेले नहीं है, जो टीआरएस करप्शन कर रहे हैं, जो टीआरएस लूट रहे हैं हमारा पूरा तेलंगाना को, जिनके लिए वी आर फाइटिंग अगेंस्ट फॉर दैट। ऐसा क्या हुआ डॉक्टर मोहन गुप्ता कि आपको इस लोकल चुनाव में इतना वोकल होना पड़ा और आपको दिल्ली से नेताओं की जरूरत पड़ गई, आपने गृहमंत्री को बुलाया, आपने पार्टी अध्यक्ष को बुला लिया? सी, यहाँ पे जो पोजीशन है अभी, एमआईएम नेशनल पार्टी बनने की कोशिश कर रही है, ऊपर से टीआरएस कैसी नेशनल, वो दूसरे जगहों पे तो चुनाव लड़ते हैं, अपने हैदराबाद में जहां गढ़ वहां तो एक तिहाई पे भी नहीं, 51 सीटों पे तो चुनाव लड़ रहे हैं वो सब जगह वहीं लड़ते हैं जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन का बाहुल्य है, वो मुस्लिम वोट बैंक का पॉलिसी पे ही लड़ते हैं, ऊपर से टीआरएस का उनका इतना एडजस्टमेंट है, उनका आपस में इतना अंडरस्टैंडिंग है, अपीजमेंट इतना ज्यादा है कि पब्लिक में फ्रस्ट्रेशन जैसा है, पब्लिक को सेकंड स्टेटस का पब्लिक हिंदू खुद को समझने लगे। आपकी कोशिश तो ये भी थी कि कहीं से टीआरएस और ओवैसी के बीच में औपचारिक प्रीपोल अलायंस हो जाए तो आपको और मौका मिल जाता, लेकिन वो नहीं हो पाया। वो इसलिए नहीं हो पाया कि क्योंकि यहाँ पर प्रचार करने ही नहीं दिया गया, जो भी प्रचार किया टीआरएस ने अपना खुद का प्रचार किया, दूसरों को प्रचार करने नहीं दिया, बैनर सारे निकाल दिए गए, कुर्सी तक के रंग का ख्याल रखा गया है, ये एक बहुत बड़ा विरोध है, कुर्सी के रंग का भी ख्याल रखा गया है। आएंगे आपके पास, बने रहिए वहां से, क्योंकि 76 सीटों में बढ़त के साथ फिलहाल बीजेपी बहुत उत्साहित दिखाई दे रही है। सुधांशु त्रिवेदी जी, किस पर नजर है, असदुद्दीन ओवैसी को धराशायी करके ध्रुवीकरण की राजनीति आगे ले जाने पर, या वाकई हैदराबाद शहर की तस्वीर बदल देना चाहते हैं, या सिर्फ नाम? अंजना जी देखिए, समस्या क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी आती है, जहां भी आती है, विकास करती है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, जब जब केंद्र में हमारी सरकार रही है, विकास दर सदैव महंगाई दर से कम 1.5 से 2 गुना रही, और जब जब कांग्रेस की रही इसका उल्टा रहा, परंतु हमारे ऊपर सांप्रदायिकरण का आरोप लगाया जाता है। हमारे कभी किसी विरोधी ने यह नहीं कहा कि बेहतर विकास के अवसर, बेहतर रोजगार देने के लिए हमारे साथ आओ, उन्होंने कहा सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए आओ। हकीकत यह है कि जिसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं उसे सांप्रदायिकता, मैं तो ईमानदारी से कह रहा हूं। इतने म्युनिसिपल चुनावों में गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ, आपके सारे स्टार कैंपेनर्स, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब उतरते हैं, पहुंचते हैं, देश के कितने म्युनिसिपल चुनावों में? हम बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही है, ये हमारी पार्टी की विशेषता है कि पार्टी के लिए नए मार्ग प्रशस्त करने की संभावना जहां दिखे तो शीर्ष पे बैठे लोगों से लेकर सामान्य कार्यकर्ता तक समान रूप से आते हैं। अंजना जी, आरोप तो हमारे ऊपर हर चुनाव में लगता है, कितने मंत्री उतार दिए, 30-30 मंत्री सरकार के आ गए, ये और कुछ नहीं है, ये भाजपा की एक प्रतिबद्धता है, और मंत्री हो अथवा हमारे गृह मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सब एक कार्यकर्ता भाव से यहां पर आते हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, आज तो अमित शाह जी गृह मंत्री है, अगर सरदार पटेल जी उस जमाने में होते तो आज के साथ सांप्रदायिक हो गए होते, क्योंकि कुछ लोग खड़े हो जाते निजाम के साथ कि साहब ये तो एक संप्रदाय का के ऊपर आरोप है। जैसे अभी आपने एक बात कही कि कुर्सी का भी रंग नजर आ रहा है, अंजना जी जानते क्या समस्या हो गई लोगों को, वैसे तो महीना कार्तिक का आ गया है, जो कहावत है ना, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, यहां कुछ लोग राजनीति में ऐसे मतलब एक विशेष प्रकार की राजनीति में इस प्रकार से अपने चक्षु खो चुके हैं कि उनको सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र सिर्फ हरा ही हरा दिखता है, बाकी कुछ कितना भी बड़ा दिखना हो उन्हें दिखता ही नहीं। पर सुधांशु जी, आप बड़ा दिखाना ही वही चाहते हैं, नेता अगर जाके कहेंगे कि ओल्ड हैदराबाद में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, नेता अगर जाके ये कहेंगे कि हैदराबाद को भाग्यनगर बनाना है,
क्योंकि निजाम कल्चर को खत्म करना है तो लोग यही समझेंगे ना। अच्छा, जिसपे आपको सफाई देनी पड़ती है। देखिए समस्या जानते क्या रहती है, हम किसी भी चीज का नाम बदलने की बात नहीं करते, हम तो सिर्फ उसको वापस लाने की बात करते हैं। ये बताइए, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल के लेनिनग्राद कर दिया गया था, जब लेनिनग्राद से सेंट पीटर्सबर्ग हुआ तो इसे नाम बदलना कहेंगे? अरे लेनिनग्राद नाम बदलना था, सेंट पीटर्सबर्ग तो परावर्तन है, वो परिवर्तन नहीं है। और आप बताइए हैदराबाद कब बना? 1700 कुछ में बना ना, जब निजामुल मुल्क आसफ जहां ने जाके बनाया था। उससे पहले क्या शहर ही नहीं था या इलाका ही नहीं था? कितना बड़ा एम्पायर कृष्णदेव राय का था 13 टू 15 सेंचुरी में, जिसमें आके फॉरेन ट्रेवलर्स ने लिखा है कि लंदन और पेरिस से उसकी राजधानी 50 गुना बड़ी थी, ये लिखी 50 गुना, 5 गुना बड़ी नहीं। हाँ। इतने बड़े चीजों के ऊपर, जैसे उससे पहले कुछ था ही नहीं, जो आया वो सब इसी जमाने में आया। और निजाम कल्चर से हमें कोई समस्या नहीं है। समस्या जानते क्या है, जब ओल्ड हैदराबाद में खड़े होकर ये कहा जाता है, वहां के लोग ये कहते हैं कि 15 मिनट, नेता कहते हैं, या कोई ये कहता हमने 840 दिन पर हुकूमत की, इस कल्चर और इस मानसिकता से हमें। ठीक है, चलिए वापस आते हैं आपके पास। मधु यक्षी गौड़ा भी हमारे साथ है ना, कांग्रेस के नेता हैं, उनसे भी पूछेंगे जरा। इस वक्त के रुझान ये बता रहे हैं कि बीजेपी 77 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, टीआरएस दूसरे नंबर पर है, 32 से 34 सीटों पर उनकी बढ़त है, और एमआईएम इस वक्त तीसरे नंबर पर है और कांग्रेस पार्टी चौथे नंबर पर है। जरा रुझान दिखाएं स्क्रीन पर तो पता लगे कि कांग्रेस एक सीट पर आगे चल रही है, अन्य शून्य सीट पर इस वक्त बढ़त दिखा रहे हैं। यक्षी गौड़ा साहब, ये तो ईवीएम से भी चुनाव नहीं हो रहा, इसमें बैलेट से वोटों की गिनती हो रही है, फिर भी कांग्रेस न 3 में न 13 में अभी तक नहीं दिख रही है कम से कम। आपने मेरे से पहले आपको प्रवक्ता साहब ने ठीक तरीके से पूछा है, ये जो चुनाव हो रहा है हैदराबाद की विकास की बात कर रही थी, यहाँ विकास को छोड़कर जब 6 साल से केंद्र में सरकार में है, स्मार्ट सिटी की प्रोग्राम तो वेंकैया से लेके आए सरकार ने, आज तक स्मार्ट सिटी के हैदराबाद की क्या विकास कोई बात नहीं किया। वित्त मंत्री बात किया, योगी आदित्यनाथ बात किया, नड्डा जी ने बात किया, हैदराबाद की विकास के लिए क्या किया था आपको? आवाज ठीक करनी होगी थोड़ी, आवाज में ऑडियो में प्रॉब्लम है सर, मैं आ रही हूँ आपके पास, ऑडियो ठीक कीजिएगा, आवाज कट कट के आ रही है। आशुतोष जी, आशुतोष जी देखिए, दुश्मन सही चुना है, और राजनीति में ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जो प्रतिद्वंदी आप चुने अगर वो सही चुने, संदेश यही जा रहा है कि ओवैसी के गढ़ में जाकर उनको ललकार रहे। नहीं देखिए, इसमें दो चीजें, पहली बात तो ये कि बीजेपी ने जो ताकत झोंकी वो दूसरी राजनीतिक पार्टियों को सीखने की जरूरत है कि आप छोटे से चुनाव को भी आप पूरी ताकत लगा के उसको जीतने की कोशिश करते हैं, ये बात कांग्रेस पार्टी को समझनी पड़ेगी। अगर नहीं समझेंगे तो कांग्रेस पार्टी का जो हालत है और बुरे होने वाले। दूसरी बात, जो बार बार अभी हमारे मित्र सुधांशु जी कह रहे हैं कि भाग्यनगर और निजाम कल्चर, देखिए ये राजनीतिक रेटरिक्स है, अगर आपको इस रेटरिक्स पर खेलना है तो आपको सबसे पहले अहमदाबाद का नाम बदलना पड़ेगा जहां पिछले 25 सालों से आपकी सरकार है, आपको लखनऊ का नाम बदलना पड़ेगा जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार है। आप लखनऊ का नाम बदल नहीं पा रहे हैं, आप जो है वहां जाके भाग्यनगर बदलना, तो साफ तौर पर कहिए कि आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हो, और ओवैसी, मैं बार बार कहता हूं, ओवैसी मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन है, क्योंकि वो जिस तरीके से अपने आप को पेश करते हैं उसकी वजह से बीजेपी को उसमें पोलराइज करने का पूरा मौका मिलता है, तो ये बहुत सूट करता है बीजेपी को भी और ओवैसी को भी सूट करता है। तो जितने मुस्लिम उनके लिए वोट करते हैं वो सब आपको लगता है अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते? नहीं, कभी कभी, कभी कभी राजनीति के अंदर आपको साफ बात कहनी पड़ती है। हाँ। और साफ बात ये है कि बहुत सारे मुसलमान बहुत सारे मुसलमान ओवैसी को वोट नहीं करते हैं, अन्यथा ओवैसी हैदराबाद के अलावा उनका कहां अस्तित्व है? आप जाके बिहार के अंदर, 5 दिन पहले बिहार चुनाव का नतीजा आ रहा था तो आप कह रहे थे कि इस देश के मुसलमानों को ओवैसी में एक उम्मीद दिख रही है, अब आप कह रहे हैं कि हैदराबाद में ही ओवैसी को वोट नहीं करना चाहते मुसलमान? कांग्रेस पार्टी को हो रहा नुकसान तो नहीं है, सीधा सवाल। एक मिनट, ये चिंता आप लोगों को होनी चाहिए, मुझे नहीं चिंता होनी चाहिए, क्योंकि चिंता हमें क्यों होनी चाहिए? इसलिए क्योंकि मैं निष्पक्ष तौर पर आकलन करने के लिए बैठा हूँ, और साफ बात मैं कहना चाहता हूँ, साफ बात। एक मिनट, मुझे लगता है आप लोग हंस सकते हो, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग बीजेपी के समर्थक हैं या आरएसएस के समर्थक हैं, हम इस बात पे हैरान हैं कि आपको ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आपको तो हर सवाल का जवाब देना, जवाब देते चलिए ना, जो भी पूछा जा रहा है। प्लेटफॉर्म पे बैठकर ये नहीं कहता कि आप लोग मोदी का समर्थक, केवल आपका या मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है, नहीं नहीं, एक साझा प्लेटफॉर्म है। अगर आप पर्सनल टिप्पणी करेंगे तो पर्सनल टिप्पणी नहीं हो रही है, सवाल ये हो रहा है मेरे, जब बिहार में सवाल खड़े करेंगे, मेरा सवाल ये था, जब बिहार में ओवैसी जीत रहे थे तो ये विश्लेषण हो रहा था कि इस देश के मुसलमानों को ओवैसी उम्मीद दिख रहे हैं, आज अगर ओवैसी पिछड़ रहे हैं तो वो चॉइस क्यों नहीं? पार्टी को हो रहा नुकसान चिंता है, क्योंकि ये समझना होगा, अगर अगर जिसे हम तथाकथित
कहते हैं कि सेक्युलर वोट है वो कांग्रेस के विकल्प खोज रहा है, तो ये कांग्रेस को सोचना होगा, किसी पत्रकार को चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। आपने शायद मेरी बात शुरू में कही नहीं। मैंने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी छोटे से चुनाव में अपनी पूरी ताकत खोजती है, ये सीखने की बात है बाकी राजनीतिक दलों के लिए। और मैंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से करती रहेगी तो न तीन में रहेगी, जो बिहार के चुनाव के दौरान जब ओवैसी 5 सीटें जीत रहे थे तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक, हो सकता है चलिए आपको डिस्काउंट आपने ना कहा हो ऐसा, लेकिन बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि इस देश के मुसलमान को ओवैसी में अपना नेता देखना अब शुरू हो गया है, इसलिए उनको ये स्वीकृति मिल रही है। आज आप कह रहे हैं कि अपने गढ़ में मैं लोगों को स्वीकार करने के बावजूद, ये भी तो एक फैक्टर है आशुतोष, कि आपने सवाल पूछा तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ। पहली बात, आप अपने प्लेटफॉर्म पे देखा था कि ओवैसी ने किस तरीके से मुझसे बात की थी आपके चैनल के ऊपर, जब क्योंकि मैंने उनसे सवाल पूछा कि आप जो है दरअसल बीजेपी को बढ़ाने का काम करते हैं, क्या आप बीजेपी को सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे। दूसरा सवाल, अगर बाकी लोग क्या कहते हैं उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं साफ तौर पर कहता हूं कि ओवैसी की पॉलिटिक्स और बीजेपी की पॉलिटिक्स एक दूसरे को सूट करती है। ये दोनों वही राजनीति कर रहे हैं जो देश के लिए खतरनाक है। और कांग्रेस की राजनीति किसको सूट करती है? कांग्रेस किसी को नहीं। आज की तारीख में जो बातचीत है वो बीजेपी पर बातचीत, जब कांग्रेस से बातचीत होगी कांग्रेस से बात क्यों नहीं होगी? कांग्रेस पर बात होगी। संगीत रागी जी, देखिए आप अहमदाबाद का, लखनऊ का, इन सब का भी नाम बदलिए ना फिर। देखिए सबसे पहली बात तो यदि आशुतोष जी कहते हैं कि निष्पक्ष है तो वो निष्पक्षता दिखनी चाहिए। आपका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई कोई चुनाव छोटा और बड़ा नहीं होता है। हमने आपका आजकल आकलन बड़ा ग्रासरूट डेमोक्रेसी पर यदि आप काम कर रहे हैं तो यहीं से नया नेतृत्व खड़ा करने के लिए आपको मिलता है। इसीलिए मुझे लगता है कि जो 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 भारतीय जनता पार्टी ने हैदराबाद में किया है वो एक बहुत बड़ा नजीर पेश किया है। तीसरा मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ। तीसरी बात है कि देखिए नाम अंजना ओम कश्यप का नाम कल हमीदा बेन हो जाए तो उसका बहुत बड़ा है। हर भाषा का एक अपना संस्कार होता है और नाम का भी संस्कार होता है। इसलिए मेरा तो अपना मानना है कि आजादी के बाद नहीं, मैंने ये कहा कि नाम से बहुत अंतर पड़ता है सर। अरे तो अहमदाबाद के नाम से नहीं पड़ रहा, लखनऊ के नाम से नहीं पड़ रहा, लखनऊ का नाम बदलना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया अपने राज्य में जहाँ पर ये नाम है वहाँ बदलेंगे नहीं, और दूसरे राज्य में जाके चूंकि ओवैसी के जरिए आप ध्रुवीकरण करना चाहते हैं डॉक्टर साहब, इसलिए आप ये करेंगे। संजय जी से एक कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद में डॉक्टर साहब आपसे जवाब लूंगी इस पर। संजय जी गणित तो बताइए, गणित बताइए थोड़ा। गणित जो टीवी स्क्रीन पर है वो तो साफ दिखाई पड़ रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत बड़ी बढ़त बनाई है, और अगर 150 सीटों पे जहां चुनाव हो रहे हैं उसमें अगर इस तरह की बढ़त दिखाई पड़ रही है तो मुझे लगता है संकेत बहुत साफ है, बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और 150 सीटों में बढ़त बीजेपी को ही होगी और मेजॉरिटी के तरफ बढ़ती हुई बीजेपी साफ दिखाई पड़ रही है। बीएमसी छोड़ के आपको लगता है किसी ने इस तरह के एग्जिट पोल किए होंगे किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में जो इस बार एक तरह से ताकत झोंक दी अमित शाह ने उसकी? आपने एग्जिट पोल का जिक्र किया अंजना, लेकिन जिस तरह से बीएमसी के चुनाव में बड़े बड़े नेताओं ने कैंपेन की और खासकर बीजेपी के बड़े नेताओं ने, दूसरे किसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में इस तरह के कैंपेन भी हमने नहीं देखे, तो इस तरह से जिस तरह से पार्टियां बिसात बिछाएंगी उस तरह से जो एनालिस्ट हैं या हम जैसे विश्लेषक है हमें भी उसी राह पर चलना पड़ता है। नहीं तो मुझे याद नहीं कि पहले कभी हमने म्यूनिसिपल चुनाव पर लगातार 2-3 घंटे का प्रोग्राम किया। म्युनिसिपल चुनाव का ये सेफोलॉजिकल एनालिसिस आसान होता है या विधानसभा और लोकसभा चुनाव का आसान? नहीं, इसमें लोकसभा विधानसभा या म्युनिसिपल इलेक्शन का सवाल नहीं है। सेफोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कितना मल्टी कॉर्नर्ड अगर कंटेस्ट है, अगर वो विधानसभा का चुनाव है मल्टी कॉर्नर्ड कंटेस्ट है तो ज्यादा मुश्किल है, बाइपोलर कंटेस्ट है तो आसान है। इन चुनाव में इतना आसान नहीं है किसी फोरकास्ट करना, क्योंकि और इस बार वोटिंग भी कम मल्टी है क्योंकि मल्टी कॉर्नर्ड कंटेस्ट है, मल्टी कॉर्नर्ड है। चार पार्टियां, हालांकि कांग्रेस कहां पर है आप देख ही रहे, एक बार फिर से रुझान दिखाइए। 80 सीटों पर अभी तक क्या है, रुझानों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और 33 पर टीआरएस है, 17 पर एआईएमआईएम। अभी बहुत शुरुआती रुझान है क्योंकि बैलेट से इस बार जो काउंटिंग होगी काफी देर से नतीजे इस बार भी आने की उम्मीद है या आशंका जो भी कह लीजिए। जल्दी से डॉक्टर साहब से एक कमेंट मुझे ले लेने दीजिए सर, 2 लाइन में जल्दी से आप रिस्पांस दीजिए। यहाँ तो बैठ के संगीत रागी मेरा भी
नाम का संस्कार करने लगे, इधर से उधर नाम करने लगे। आशुतोष का नाम यदि मौलाना मोहम्मद खान रख दिया जाता। चलिए आप दोनों का एक दूसरे से फैसिनेशन और अपनी दोस्ती रखिए। ब्रेक में ये सब अहमदाबाद का क्यों नहीं बदलते, लखनऊ का क्यों नहीं? सवाल वही है कि अहमदाबाद लखनऊ ये तो आपके शासित राज्य है, वहाँ बदल के आप एग्जाम्पल सेट करते हैं। हाँ, लखनपुर करने आप मुझसे पूछ रहा है, मुझसे पूछ रही ना? हाँ, जी, जी। हाँ देखिए अंजना जी, आपके सब प्रबुद्ध लोग बैठे हैं। देखिए नाम बदलने की प्रक्रिया होती है, हम हमेशा से करते आए हैं। स्वीकारिता बनते समय लगता, कल्याण सिंह की सरकार ने भी अयोध्या का नाम बदला था और प्रयागराज नाम भी बदला था। इतना हो हल्ला हुआ था कि फिर केंद्र की सरकार ने उसको स्वीकार ही नहीं किया, मगर अब स्वीकार कर लिया। हैदराबाद के शहर में पहले से भी बीजेपी या एमआईएम एक तरफ, पुराने शहर में एमआईएम। जिस दिन आपकी एक बात में जवाब देना चाहता हूँ, कांग्रेस की एक जो ग्रेटर हैदराबाद नाम बदलकर की विकास की एक अंतरजातीय नगर बनाने की जो कोशिश शुरुआत हुआ वो कांग्रेस से हुआ। जब ये बीजेपी के कह रहे थे कि जब अफगरुद्दीन हुए थे 15 मिनट की बात किया, कांग्रेस ने अरेस्ट करके जेल भेजा था दोनों भाइयों को। तो कांग्रेस की ये जो मुद्दा है, हैदराबाद की जो शहर बनाया, इसकी जो विकास किया वो कांग्रेस ने ही किया है। तो इसमें हम पूरी कामयाब ना रहे कि कांग्रेस की लोगों के तक ना पहुंच पाए कि हैदराबाद शहर को जो अंतर्जातीय स्तर पर ले आने का प्रयास जो किया, शुरू किया और किया भी है, अंतर्जातीय विमान स्टेशन से लेकर सर अगर ये है जो आई टी सिटी बनाया तो कांग्रेस। सवाल ये है कि अगर ये सब है नहीं कर पाए, यहाँ दिल्ली में सवाल पूछते हैं तो आप लोग ये कह के निकल जाते हैं कि देखो देश को आजादी हम लोगों ने दिलाई थी। बीजेपी ने मत के नाम पर केंद्र सरकार में रहकर भी जो मत के नाम पे वोट पूछते हैं, क्योंकि ठीक है मधु जी, वापस आता हूँ आपके पास। चित्रा के पास चलेंगे, वो चार मीनार के पास मौजूद है। उसके पहले सुधांशु त्रिवेदी से जल्दी से एक कॉमेंट लेना। सुधांशु जी, टीआरएस से लड़ाई लड़ रहे हैं ओवैसी के साथ मिलके या सच में ओवैसी के खिलाफ लड़ रहे हैं? देखिए यहाँ तो ओवैसी और ये सब मिले हुए हैं, कांग्रेस ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला चुकी है और टीआरएस ने पिछले चुनाव में उनके लिए सीट छोड़ दी थी। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु है क्या? और कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय अभी कह रहे थे कि हैदराबाद का विकास, जब हैदराबाद साइबराबाद बना था तो प्रदेश में किसकी सरकार थी और केंद्र में किसकी सरकार थी? यहाँ चंद्रबाबू नायडू थे, केंद्र में वाजपेयी जी की सरकार थी। ये वो दौर है जिस जमाने में हैदराबाद का अंतर्राष्ट्रीय पलक के ऊपर एक स्थान बना था। तो इसलिए विकास हमारे रिजीम में हुए हैं हैदराबाद में। अब हमें अगर समय मिला, हमें शक्ति मिली, जो हमें प्रतीत हो रहा है, आप कह रहे हैं यहाँ ये लोग मिले हुए हैं, लेकिन बिहार में आरोप लगा कि आप और ओवैसी मिले हुए हैं, बंगाल में ओवैसी चुनाव लड़ेंगे तो फिर आरोप लगेगा कि आप और ओवैसी मिले हुए हैं, यहाँ पर आप और ओवैसी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं तो ध्रुवीकरण का आरोप लग जाता है, तो क्या वही बात तो नहीं हो रही फिर जो दिल्ली में कहते हैं बैठ के सब मिले हुए हैं? जी रोहित जी जो कहते मिले हुए हैं, तो रोहिंग्या पे ये दोनों साथ, बांग्लादेशी घुसपैठियों पे ये दोनों साथ, तथाकथित बाबरी मस्जिद पे ये दोनों साथ, अफजल गुरु पे ये दोनों साथ, आतंकवाद के मुद्दे पे ये दोनों साथ, पोटा पे ये दोनों साथ, ट्रिपल तलाक पे दोनों साथ, और मिले हम हैं। गजब की जुगलबंदी दोनों में है, जवाबी कव्वाली उनमें हो रही है कि मैं बड़ा हिट है। कव्वाली में आजकल जो धुन हिट है, कव्वाली में जो धुन आजकल हिट है वो है एक दूसरे के पूरक आप लोग हैं, दूसरी तरफ से एक दूसरे पर राग छेड़ते हैं और उससे वोटों का ध्रुवीकरण होता है। लेकिन एक बार चित्रा के पास चलते हैं, मैं लौट रही हूं आपके पास। चित्रा, बात करते करते 83 सीटों पर बढ़त है अब बीजेपी की, 10.5 हो रहे हैं, हालांकि अभी शुरुआती ही है, 34 पर बाकियों के एक एक बढ़ रहे हैं, AIMIM कांग्रेस जस की तस है, बीजेपी का इजाफा हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब सवाल यह है कि क्या ध्रुवीकरण करने में कामयाब रही है शुरुआती कम से कम रुझान है जो यही इसी ओर संकेत कर रहे हैं, अगर 83 सीटों के साथ आगे बढ़ती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। हालांकि अभी वक्त है, क्योंकि बैलेट पेपर से ये पूरे के पूरे चुनाव हुए, ईवीएम का कहीं रोल नहीं रहा, तो थोड़ा हमें इंतजार करना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिग्गजों के जरिए जिस तरह की ताकत झोंकी थी, उस तरह उससे माना जा रहा था कि बीजेपी पहले के मुकाबले इस बार काफी ज्यादा अच्छा कर सकती है। कहां 3 सीटें 2016 की और कहां 2019 में आते आते 4 लोकसभा चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत लेती है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो नगर निगम है ये 4 जिलों की 24 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करता है और 5 लोकसभा सीटें यहां पर आती हैं, तो इसी के जरिए आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल चार मीनार पर मेरी मौजूदगी है, भाग्यलक्ष्मी मंदिर भी यहीं पर है, मक्का मस्जिद भी बिल्कुल मेरे दाहिनी तरफ है। कुल मिलाकर इस जगह की अपनी अलग महत्ता है और यहां पर बहुत सारे लोग हैं जिनसे आइए एक बार हम मिजाज जान लेते हैं। लेकिन उसके पहले दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, भाग्यलक्ष्मी मंदिर के बाहर आप जाएंगे
तो ज्यादातर लोग आपको बीजेपी के बात करने वाले मिल जाएंगे। थोड़ा चारमीनार के पास आप आएंगे तो यहाँ पर ज्यादातर लोग एमआईएम के समर्थक मिल जाएंगे। थोड़ा सा ही कदम आगे आप बढ़ाएंगे तो वहां पर टीआरएस के सपोर्टर मिल जाएंगे। तो इस जगह पे भी मिली जुली प्रतिक्रिया रहती है, लेकिन बहुत सारे लोगों की मौजूदगी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। जरा पूरा का पूरा एंगल आप दिखाइए कि कैसे लोग यहाँ पर आकर ये जानना चाह रहे हैं। और बहुत सारे लोग मोबाइल के जरिए भी आज तक देख रहे हैं, पल पल की जानकारी यहाँ पर ले रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और देखिए पुलिस के लिए भी चुनौती आज की बड़ी है, क्योंकि एक तरफ शुक्रवार का दिन भाग्यलक्ष्मी मंदिर में भारी तादाद में दर्शन के लिए लोग आते हैं, तो दूसरी तरफ नमाज के लिहाज से भी यहाँ पर भीड़ इकट्ठा ना हो उस तरह की व्यवस्था यहाँ पर पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार की जा रही है। लेकिन अपने आप में अगर बीजेपी इसी तरह का ट्रेंड कायम रखने में कामयाब रहती है तो यकीनन न सिर्फ 2023 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बल्कि इसके अलावा दक्षिण का दरवाजा खोलने में भी उसको बड़ी कामयाबी मिलेगी अगर उसको चुनावी जीत यहाँ पर मिलती है। और अमित शाह की ओर से देखिए आधे घंटे तक अमित शाह यहाँ पर आते हैं चुनावी प्रचार के आखिरी दिन, आधे घंटे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जितने भी पत्रकार वहां पर मौजूद रहते हैं सभी पत्रकारों के सवाल लेकर उनका जवाब देते हैं, ये दावा करते हुए कि इस बार तो मेयर बीजेपी का ही बनेगा। तो उस दावे में कितना दम था उसी परीक्षा का आज दिन है। रिजल्ट आ रहे हैं और रिजल्ट के जरिए बीजेपी कम से कम शुरुआती तौर पर बढ़त कायम रख रही है। लेकिन तीन बातें जो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, एमआईएम को बड़ा बनाकर, कुछ लोग ऐसा कहते हुए भी आपको सुनाई दे जाएंगे, एमआईएम को बड़ा बनाकर दूसरे राज्यों में ध्रुवीकरण के जरिए एक तरफ जहां मुस्लिम वोटों का बंटवारा करके बीजेपी जीतना चाहती है तो वहीं दूसरी तरफ एमआईएम के गढ़ हैदराबाद में सेंध लगाकर वो ओवैसी को भी संदेश देना चाहती है कि आप बीजेपी को हल्के में लेने की भूल मत कीजिए, हम आपके गढ़ में आपको हरा सकते हैं। ये वाली तस्वीर एक बार जरा फुल स्क्रीन दिखाते हैं, एक बार ये असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर फुल स्क्रीन दिखाइएगा। बिल्कुल चित्रा, मैं लौट रही हूँ। ये जो आप अंदाज देख रहे हैं, हम लोगों ने कई बार उनकी कवरेज की है वहां पर, ये जब भी पुराने हैदराबाद में अपनी रैली में आते हैं तो ये हमेशा मोटरसाइकिल पर सवार होकर अचानक आते हैं और फिर उस पूरे आधे एक किलोमीटर के एरिया में खूब तालियां पिटती हैं, क्योंकि ये उनका अंदाज है। हालांकि इसकी वजह ये है जो उन्होंने खुद बताया था कि गाड़ी से यहां से गुजरना मुश्किल होता है, इतनी सकरी गलियां हैं और इतना ज्यादा ट्रैफिक, लेकिन ये उनका अलग अंदाज है मोटर बाइक पर। इसी में वो ये कहते हुए जब यहाँ से मोटरसाइकिल के अलावा निकलना मुश्किल होता है, अपना नुकसान भी कर लेते हैं। नहीं, जिन एरिया के विकास को जनता ने उनके हवाले कर दिया, वहाँ अगर उन्हें मोटरसाइकिल से गुजरना पड़े कि गाड़ी गुजर नहीं सकती। इसकी वजह ये है कि वहाँ पर कई लोग रेड़ी पटरी जो लगाते हैं और सामान बेचते हैं उनकी नाराजगी क्यों मोल ले वो। इसके अलावा जो एक सोशल मीडिया पर लगातार इस तस्वीर को लेकर चर्चा हुई, आशुतोष आपको लगता है कि ये जो रॉबिनहुड या जनता के हीरो वाली छवि गढ़ने की एक कोशिश है उसको बीजेपी इस बार धराशायी करने में कामयाब होगी, क्योंकि 87 सीटों पर हम तस्वीरें वैसे की दिखा रहे हैं लेकिन बढ़त हो रही है सीटों की बीजेपी में, 87 सीटों पर अब आगे चल रही है आशुतोष। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि अगर ओवैसी जरा भी समझदार होंगे तो पिछली बार उनको 33 सीटें मिली थी, वो इस बार 18 पे दिखाई पड़ रही। आपने पर्सनल दुश्मनी ले ली, पर्सनल दुश्मनी की बात मैं उनको बता रहा हूँ, जो पॉलिटिक्स वो करते हैं वो पॉलिटिक्स न केवल उनके लिए नुकसानदायक है बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी जिसके वो सबसे बड़े पैरोकार बनते हैं उनका भी नुकसान कर रहे हैं। 33 सीटें थी इस बार, 18 सीटें हैं, और ये बार टीआरएस को भी समझनी पड़ी, पिछली बार 99 सीटें थी, 32 पे आकर टिक रहे हैं। अभी तो शुरुआती रुझान, पूरी पॉलिटिक्स को रीडिफाइन करने की जरूरत है, जिस पॉलिटिक्स को बीजेपी करती है, जिस तरीके से अपनी ताकत डालती है, मतलब मैं ये अनथिंकेबल है कि बिहार में जो भूपेंद्र यादव जो इंचार्ज थे उनको हैदराबाद म्युनिसिपल का इंचार्ज बनाया गया, वहां अमित शाह जाते हैं, वहां योगी आदित्यनाथ जाके कैंपेन करते हैं, रोड शो करते हैं, ये बाकी राजनीतिक पार्टियों को जो 15 दिन पहले जगती हैं उनको सोचना पड़ेगा कि पॉलिटिक्स पूरी तरीके से बदल गई, कैंपेन का स्टाइल बदल गया, मुद्दे बदल गए, आप पुरानी दुनिया में। संगीत रागी जवाब दे रहा हूं। देखिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आप यदि विश्लेषण कर रहे हैं तो विश्लेषण तक रहे, यदि आप नॉर्मेटिव बात करना शुरू करेंगे कि कैसे करना चाहिए तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके मन में कहीं पक्षकार की भूमिका है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं बार ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है और इस कॉन्स्टिट्यूशनल 73rd और 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आप ये ध्यान रखिए कि जो ये सब जो लोकल चुनाव है उसकी अहमियत बढ़ जाती है। हम पढ़ाते तो बहुत हैं कि भाई ग्रास रूट डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन इसलिए करते हैं क्योंकि आपका लोकल लीडरशिप खड़ा होता है वहां से। कल तक हैदराबाद में या साउथ में प्रवेश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वहां के लोगों को लगता था कि ये आ ही नहीं सकता है, अब जब उनको ग्रास रूट पर ये बड़े से लीडरशिप खड़े होंगे तो आने वाले दिनों में वो साउथ में उनका प्रवेश ज्यादा
संभव हो पाएगा। सुधांशु जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव क्या दक्षिण पर नजर है जो बात रागी साहब कह रहे हैं, दक्षिण पर नजर है और इसीलिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ममता बनर्जी कह रहे हैं ये तो वो पार्टी हो गई जो म्युनिसिपल चुनाव लड़ने में भी बिजी है, काम क्या करेंगे केंद्र में? देखिए अंजना जी, दक्षिण पर नजर जानते हैं हमारी कब से, हम पहला नगर पालिका का चुनाव कहां कब जीते थे, उडुपी में 1968 में अमित शाह जी के रिजीम में तिरुवनंतपुरम का नगर निगम हमने इतनी शिद्दत से लड़ा था और 35 सीटें पाई। यूडीएफ वहां पर एलडीएफ जो है वो एक गठबंधन के रूप में बड़ा है पर पार्टी के रूप में लगभग हम सबसे बड़े। और याद करिए, मैं याद दिलाना चाहता हूं, 1989 में लखनऊ नगर निगम में 32 सीटें जीते थे, फिर उत्तर प्रदेश में आगे फ्यूचर में सरकार भी बनी थी। इसलिए नगर निगम का चुनाव भी हम उतनी ही गंभीरता से लड़ते हैं और हमारी नजर सिर्फ दक्षिण पे नहीं है, हमारी नजर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से लेकर अतीत से लेकर भविष्य तक सब कुछ है। हमारी सोच ये छोटी डायमेंशनल नहीं है, हमारी सोच सिविलाइजेशनल है। इसलिए अभी देखिए एक बड़ी मजेदार बात हुई, जैसे अभी आशुतोष जी ने कहा कि इन लोगों को एक होना चाहिए। अंजना जी, हम लोग अभी ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे ना कि सब में जवाली कवाली हो रही है, तो सब लोग अलग अलग सुर मिलाकर भाजपा से ही लड़ना चाह रहे हैं, तो आशुतोष जी शायद उनको ये संदेश दे रहे थे कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, क्योंकि राष्ट्र विरोध के सारे सुरों पर काफी गद्गद है कि आप सब उन्हीं को टारगेट करते हैं, आप लोगों का जो फैसिनेशन है उनके लिए उससे काफी खुश है। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए फिर जवाब देंगे। देखिए आशुतोष जी पत्रकारिता के जमाने से फिर वो से हमारे अच्छे मित्र रहे हैं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, उनका विश्लेषण बिल्कुल सही है। ये सब मिलकर एक हो रहे हैं और जब सब मिलकर एक होने का भी प्रयास किया है पर आज तक कभी रोक नहीं पाए। 80, 90, 2010 के दशक तक यह यथार्थ रहा क्योंकि जनता यथार्थ को समझने लगी। जवाब दीजिए, एक मिनट, एक वाक्य पूरा कर दूं। अभी पोलराइजेशन की बात होती है, एमआईएम का नाम क्या है, मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन। अरे इत्तेहाद फारसी का शब्द है, मुसलमानों की एकता, उसमें कोई सांप्रदायिकता नहीं है। तभी तो आपके जितने नेता पहुंच रहे थे AIMIM नहीं कह रहे थे, मजलिस मजलिस ही कह रहे थे ताकि एकदम अच्छे से लोगों के दिमाग में इंग्रेन हो कि मुस्लिम पार्टी है, सारे हिंदू एक हो। देखिए इनकी इनकी पॉलिटिक्स क्या है कि जेम्स माइकल लिंडो से शुरू करते हैं पॉलिटिक्स। तो अगर सुधांशु जी या भारतीय जनता पार्टी या फिर हमारे मित्र संगीत रागी जो निष्पक्ष विश्लेषण की बात करते हैं और आरएसएस का पक्ष हमेशा लेते हैं और आरएसएस से जुड़े हुए हैं, वो दूसरों को की निष्पक्षता पर शक करते हैं क्योंकि ये निष्पक्ष नहीं है। दूसरा सवाल देखिए, महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अंदाजा है कि 2024 के चुनाव में कहां लड़ना है। आप पिछले, मैंने बार बार कहता हूं, 2017 के बाद से 9 राज्य भारतीय जनता पार्टी अपने बल पे सरकार नहीं बना पाई है। अभी जो किसानों की हालत है उसके मद्देनजर भी आप देखिए तो बीजेपी को नए फ्रंटियर्स खोलने पड़ेंगे, नए फ्रंटियर्स खोजने पड़ेंगे अगर उनको दोबारा सत्ता में जो सीटें अभी है उसको बरकरार रखनी है तब। इसलिए हैदराबाद को जाना महज कोई संयोग नहीं है, ये प्रयोग है जो मोदी जी ने दिल्ली के अंदर कहा था। तो ये हैदराबाद के लिए आशुतोष जी, एक राजनीतिक पार्टी, शाहीन बाग बता रहे हैं, एक राजनीतिक पार्टी ने तो एक सेकंड शाहीन बाग के लिए कहा था कि ये संयोग नहीं है प्रयोग है। नहीं, तो आप कह रहे हैं ये बीजेपी का शाहीन बाग मोमेंट है हैदराबाद में। आशुतोष जी नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये तो किसानों के आंदोलन को शाहीन बाग से जोड़ देते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ देते हैं और उसके बाद उनसे बातचीत भी करते हैं। सुशील मोदी जो जो डिप्टी सीएम थे वो कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े गएंगे, इनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं दुष्यंत गौतम वो कहते हैं कि चीन और पाकिस्तान का हाथ है। तो आप समझिए पॉलिटिक्स का, ये विकास की राजनीति है। आप किसानों को पाकिस्तान परस्त घोषित करके विकास की राजनीति का दावा करते हैं, ये ढकोसलापन है इनका। कृषि मंत्री ने तो मना किया, उन्होंने कहा हम किसान संगठनों से ही बातचीत कर रहे हैं। नहीं बट आप देखिए ना, मैंने कहा सुशील मोदी, मनोज तिवारी और दुष्यंत गौतम, ये कौन लोग हैं, ये किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? सुधांशु जवाब, ये क्या किसान के पक्ष की बात कर रहे हैं? जवाब दीजिए, अन्नदाता को देशद्रोही घोषित करना चाहते हैं। सुधांशु जवाब दीजिए एक बार। देखिए किसानों के बारे में हम लोग बहुत बार डिबेट कर चुके, कृषि मंत्री ने कहा है और सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ खुले मन से उनसे बात कर रही है, परंतु जहां तक आप उसमें किसी राजनीतिक पक्ष की बात करते हैं तो अभी हम लोग हैदराबाद का डिसीजन कर रहे हैं, ये तेलंगाना में आपको दिख रहा है किसान मूवमेंट, तमिलनाडु में दिख रहा है, महाराष्ट्र में, बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, मैं कांग्रेस शासित राज्यों में कह रहा हूं, राजस्थान में नहीं, पंजाब में ही क्यों दिख रहा है, ये भी एक विचार करने का विषय है। आप इस बारे में बुद्धिमान लोग हैं, आप विचार कर सकते हैं। बट सुधांशु जी, क्या आप सुशील मोदी की बातों का एंडोर्स करते हैं क्या? जब कृषि मंत्री ने इनकार कर दिया तो सुधांशु जी भी इनकार करेंगे? कृषि मंत्री की बात को एंडोर्स करते हैं,
हम भी कृषि मंत्री की बात को एंडोर्स करते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि कृषि मंत्री को एंडोर्स करते हैं हम। कृषि मंत्री ने कहा है कि हम किसान संगठनों से ही बातचीत कर रहे हैं, किसान नेता है जो आ रहे हैं। बस चलिए, इस पर आप लोग अपना जो पर्सनल है उसको बाद में करेंगे, एक बार जल्दी से सुना देते हैं। चुनावी प्रचार के लिए जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, योगी आदित्यनाथ पहुंचे, बीजेपी अध्यक्ष पहुंचे, किस बिंदु पर या फिर किस लकीर पर वो अपनी राजनीति वहां पर आगे ले जा रहे थे, उनकी बातों से आप समझ जाएंगे। सुनिए चुनाव प्रचार का ये हिस्सा। भाई मैं जब कार्यवाही करता हूं तब तो हाय तोबा करते हैं पार्लियामेंट में, देखा नहीं है आपने कितनी बड़ी आवाज में रोते हैं? और एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं, जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए उनको। सिर्फ चुनाव में बात करने से नहीं होता है, जब निकालने के लिए पार्लियामेंट में बहस होती है कौन इनका पक्ष लेता है, देश की जनता जानती है, सबने लाइव टेलीविजन पर देखा है। लिख कर देने का क्या है, आप देखिए ना, ये आपका काम है, आपको कब से मेरी इजाजत लेना पड़ा? ये तो अजीब बात कर रहे हैं, यानी ये तो ऐसा हो गया कि नाच ना जाने तो आंगन टेढ़ा। आपका काम, आप मुझसे परमिशन लेंगे यहाँ पर शहीद हुए उन बलिदानियों का भव्य स्मारक करा करके इस नगर को एक बार फिर से भाग्य नगर के रूप में बदल करके इसका गौरव बनाने का। जो लोग आज भी निदान साई के पच्चीना अनुसरण करके यहाँ के नागरिकों का शोषण कर रहे हैं, यहाँ के विकास को बाधित कर रहे हैं, यहाँ पर भ्रष्टाचार फैला करके यहाँ के आम जन की भावनाओं को रोकने का कार्य कर रहे हैं। जो शख्स जिस शहर को निस्बत हैदर कर्रार से है, उस शहर के नाम को तब्दील करने की बात कर रहा है, इंशाअल्लाह ताला उनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी, नाम तब्दील नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर जब कोई ये कह रहा है तो इसका हमको नोट लेना है। जो शहर बिरयानी के लिए, जो शहर चारमीनार के लिए मशहूर है, वहां पर नाम पर ऐसी बहस चली आई। आपको सीधे लिए चलते एक बार, आशुतोष हमारे सहयोगी वहां से मौजूद है हमारे साथ और बीजेपी दफ्तर से वो जुड़े हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर कहा और कहा कि अगर नस्लें भी इनकी बर्बाद हो जाएंगी सारी, नाम नहीं बदल पाएंगे। पूछिए उन नेताओं से किस बना पर वो कह रहे हैं, और 17 पर अभी तो अटके हुए दिख रहे हैं ओवैसी साहब, इस बात से बड़े खुश होंगे। दरअसल खुशी तो यहाँ ज्यादा है ना, क्योंकि जैसे ही अब देखिए पोस्टल बैलेट के नंबर आ रहे हैं, नंबर वन पार्टी बनती दिखाई दे रही है, तो ये उम्मीद भी दिख रही है अंजना कि अब शायद वो मौका भी मिले कि हैदराबाद का नाम बदल सके। नाम बदलेगा राव साहब, अर्ली ट्रेंड्स में तो आप आगे हैं, नाम बदले की भी कोशिश है? पहले से ही यहाँ की आम जनता तो हैदराबाद को भाग्य नगर ही कहते हैं, बट हैदराबाद तो निजाम नवाब ने नाम बदला था। हम स्पष्ट रूप से योगी आदित्यनाथ जी हमारा मन की बात को वो स्पष्ट रूप से कहकर गए कि हैदराबाद का नाम भाग्यनगर हम करेंगे, भाग्यनगर का भाग्य विधाता भी भारतीय जनता पार्टी बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकल को वोकल बनाना है, आपने लोकल चुनाव को इतना वोकल बना दिया कि इस लोकल इश्यू से हट करके इसमें रोहिंग्या भी आ गए, इसमें सर्जिकल स्ट्राइक भी आ गई ओल्ड सिटी में, और नेता का आपके बयान आता है कि ये ओवैसी भाइयों को तो मैं अपने पैरों में रखूंगा। हैदराबाद साइबराबाद के नाते, जब सॉफ्टवेयर के नाते भी कहलाती है, और यहाँ जो हम उठाए थे वो नेशनल सिक्योरिटी भी एक बड़ा मुद्दा है यहाँ, और यहाँ टेररिज्म की बहुत बड़ा मुद्दा है, बॉम्ब ब्लास्ट भी कई हुए हैं। हैदराबाद निजाम नवाब का जो एंसिस्टर्स है उनके नाम से जो निजाम का जो पार्टी था MIM, वही नाम से उसका ओवैसी का पार्टी भी यही चलता है। देश भर में आज राष्ट्रवाद के खिलाफ जो इस बार जो मततत्ववाद को नहीं तो धर्म राष्ट्रवाद चलेगा, लेकिन एक सवाल मेरी तरफ से इनसे पूछिए कि ये बीजेपी के नेता जरूर हैं पर पुराने हैदराबाद जरूर जाते होंगे, वहां का कोई नागरिक इनसे अगर पूछेगा कि क्या आप लोग अपने ही देश में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे हम पर, तो इनका क्या जवाब होगा? और ये सवाल विपक्ष लगातार पूछता भी रहा था, आज भी राव साहब भाग्य लक्ष्मी के दर्शन करके आए हैं उसी ओल्ड सिटी में, लेकिन अगर आप वहां जाएंगे, आप
चुनावी रैलियों में आपने कहा कि हम नाम बदल के भाग्यनगर कर देंगे, अगर वहां का कोई नागरिक ये पूछता है कि क्या हम पर सर्जिकल स्ट्राइक होगी, और ये सवाल तो विपक्ष ने भी पूछा कि आप चुनावी रैलियों में कह रहे हैं ओल्ड सिटी में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक तो दुश्मन की टेरिटरी में होती है ना, यहाँ पर क्या ओल्ड सिटी में मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां सर्जिकल स्ट्राइक शब्द लाने का मतलब क्या था? सर्जिकल स्ट्राइक का जो शब्द है वो अलग अलग अर्थ में इसको हमको लेना पड़ता है। सर्जिकल स्ट्राइक मीन्स मिलिट्री विमान आके वहां बम लगा देंगे, इट इज नॉट सर्जिकल स्ट्राइक। वहां एंटी नेशनल्स है, उसको हम छापा मार के उसको से निकाल देना भी एक सर्जिकल। किसने रोका है ना, ये तो आपके पास है, अन्यथा हम तो कर रहे हैं ऑलरेडी, बट वहां तो उस ऐसा लोगों को एंटी नेशनल ताकतों को रक्षा देने के एक रक्षा कवच बना के हैदराबाद का ओल्ड सिटी को ओएसी फैमिली ने जो किया था, इनकी परिभाषा पूछिए इनसे, एंटी नेशनल क्या होता है, यहाँ का टीआरएस सरकार भी है, ये दोनों को खिलाफ हमको स्ट्राइक करने से इस प्रकार होगा। जनाब अंजना ये पूछना चाहती है आपसे कि आपकी नजर में एंटी नेशनल की परिभाषा क्या है, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले को एंटी नेशनल कहते हैं या वाकई देश विरोधी कार्य करने वाले, आपकी नजर में परिभाषा क्या है एंटी नेशनल? राष्ट्रवाद को छोड़कर रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा देने वाला वो अराष्ट्र माने वो एंटी नेशनल है। अगर रिलीजियस इश्यूज पर वोट मांगे जाए तब रोहिंग्या को जो इलीगल आए हैं उसको यहाँ वोटिंग कार्ड दिलवाना, उसको आधार कार्ड दिलवाना, उसको सबकर का प्रोटेक्शन देना, जगह दिलवाना, ये सब एंटी नेशनल एक्टिविटी है। उसी रिलीजियस फंडामेंटल प्रिंसिपल पर अगर वोट मांगा जाए कम्युनिटी के नाम पर, मेजोरिटी के नाम पे, माइनॉरिटी के नाम पे, क्या वो भी उसी राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है सर? हम स्पष्ट रूप से नरेंद्र मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास में सब धर्म के लोग है, हमको राष्ट्रवाद में ये रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का स्थान नहीं है, हम हिंदू को कभी फंडामेंटलिस्ट के नाते कभी नहीं देखा। शुक्रिया फिलहाल महान लोगों से बात करने के लिए। बीजेपी के दफ्तर में देखिए इस वक्त जमावड़ा लग चुका है 88 सीटों पर, क्योंकि बीजेपी को बढ़त दिख रही है, 150 सीटें 139 के रुझान है, और उसमें 88 पर बढ़त का मतलब यह है कि बीजेपी को बहुमत इस समय कम से कम रुझानों में हासिल है। टीआरएस दूसरे नंबर पर 33 सीटों के साथ, एआईएमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी 17 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर, और कांग्रेस एक सीट पर अभी तक रुझानों में बढ़त दिख रही है चौथे नंबर पर, यानी कि न 3 में न 13 में, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ है, मधुयक्षी गौड़ा हमारे साथ है, आशुतोष, संगीत रागी और संजय जी। संजय जी बहुत देर से आपसे सवाल नहीं लिया है, इस पूरी परिस्थिति में आज जबकि हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि हैदराबाद के नगर निगम से बीजेपी ये ताकत लगाकर असल में दक्षिण भारत को संदेश देना चाहती है कि कर्नाटक के अलावा भी हमको खाते खोलने, कल ही रजनीकांत ने ऐलान किया कि हम पार्टी बना रहे हैं। इन चुनाव से गठबंधन देख रहे हैं आप कुछ आगे, इन चुनाव से संदेश कई मिलेंगे, जिस बात का हम सब जिक्र कर रहे हैं कि हैदराबाद नगर निगम के चुनाव से दक्षिण की ओर विस्तार में बीजेपी को मदद मिलेगी। अगले साल तमिलनाडु के चुनाव हैं, केरल के चुनाव हैं, रजनीकांत ने कल नई पार्टी बनाई, तो ये भी संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी कुछ नए गठबंधन का एक तरह से उनका प्रयोग होगा, प्रयास करेगी बीजेपी तमिलनाडु में विस्तार करने के लिए। तो इन चुनावों के नतीजे जो अभी शुरुआती रुझानों से स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, बीजेपी एक अच्छा प्रदर्शन कर रही है हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में, उन्हें मेजॉरिटी मिलने वाली है लगभग, कम से कम जो शुरुआती रुझान है उससे तो यही संकेत मिल रहे हैं। लेकिन इससे बड़ी साउथ में जो प्रचार प्रसार होगा बीजेपी का वो तो एक अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है इससे एक बड़ा संदेश है, बड़ा संदेश है कि ये जो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स है जिसका प्रतिनिधित्व ओवैसी करते हैं, वो पूरे देश में एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करोगे तो उसका एक जो काट है किस तरह से बनाया जा सकता है, जिसका प्रयोग उन्होंने हैदराबाद में किया, ये तो 2014 में सफल होता हुआ दिखाई पड़ा। संजय जी वाला प्रयोग तो 2014 में ही हो गया था कि अगर आप माइनॉरिटी पॉलिटिक्स या जिसको आप कहते हैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स, तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स करते हैं तो दूसरी तरफ भी ध्रुवीकरण किया जा सकता। मुझे नहीं लगता कि 2014 में इसका प्रयोग हुआ, 2014 का चुनाव और 2019 का चुनाव बहुत अलग था। 2014 का चुनाव तो बिल्कुल इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी यूपीए के सरकार के प्रति, उन चुनाव में मुझे इस बात का बहुत आगाज नहीं दिखाई पड़ा कि आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं। लेकिन 2019 के चुनाव में कई जगहों पर ये बहुत स्ट्रैटेजिकली किया गया कि भाई अगर, और खासकर यूपी के चुनाव को अगर हम देखें कि अगर विपक्ष की पार्टियां एकजुट होंगी और वो माइनॉरिटी वोट्स को अपनी तरफ गोलबंद करने की कोशिश करेंगे तो हम जो माइनॉरिटी वोट है उनके अलावा जो वोट है उनको गोलबंद करेंगे। संजय जी एक सवाल मेरा भी है, मैं इसको दूसरे नजरिए से देखती हूँ, क्या
असदुद्दीन ओवैसी की स्ट्रैटेजी, और इसका वो बार बार जिक्र करते हैं कि ये तमाम जो तथाकथित सेक्युलर पार्टियां हैं इस देश में, जिन्होंने मुस्लिम वोट बैंक को हमेशा गारंटीड लिया, फॉर ग्रांटेड लिया, उनके लिए ये वेकअप कॉल है? उनके लिए वेकअप कॉल तो काफी पहले हो गया था। मुझे लगता है बीजेपी का अपना जितना जनाधार है, उस जनाधार में 2-3% कंट्रीब्यूशन, जो कहते हैं लेयरिंग, केक के ऊपर लेयरिंग होता है जब ये विपक्ष की पार्टियां एकजुट होती हैं, गोलबंद होती हैं बीजेपी के खिलाफ, और बीजेपी के खिलाफ गोलबंद होती है, रुझान नतीजे में तब्दील हो जाता है, तो आशुतोष ये तो खुद ओवैसी के लिए वेकअप कॉल हो जाएगा। मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ, देखिये मुसलमानों की बात ओवैसी क्यों करते हैं? अगर हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद की बात करते हैं तो नागरिकता की बात करें, नागरिकों की बात करें, आप आइडेंटिटी पे क्यों जाते हैं? तो ओवैसी एक तरफ तो कहते हैं मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स करता हूं, लेकिन आप उसके बाद आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में चले आते हैं। आप नागरिकों की बात करिए ना, आप जो बात जो 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 रोटी कपड़ा मकान की पॉलिटिक्स जो हिंदुओं के लिए है, वही पॉलिटिक्स तो मुसलमानों के लिए है। नहीं, रागी जी, हंसने की बात नहीं है, ये सवाल है। एक सेकंड, रिलीजियस आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स ही तो खेल रहे हैं ना। देखिए, धार्मिक जो आपकी पहचान है उसी के इर्द गिर्द पूरी राजनीति है। भाई आपने आपने अल्पसंख्यक ये पिछले बार के नतीजे, एक बार नतीजे दिखा रहे, तो ग्राफिक्स नंबर्स भी देखे ना लोग, 99 है टीआरएस के, बीजेपी के पिछली बार 4 थे और एआईएमआईएम के 44 थे। ये पिछली बार के नतीजे हम आपको अभी ऊपर दिखा रहे हैं। बोलिए, देखिए आप मेजोरिटी और माइनॉरिटी किसके आधार पर तय कर रहे हैं साहब? आप धर्म के आधार पर मेजोरिटी और माइनॉरिटी कर रहे हैं। माइनॉरिटी के वोट्स नहीं बटने चाहिए, माइनॉरिटी के वोट्स को आपने सेकुलर वोट की परिभाषा में गढ़ दिया है और मेजोरिटी के वोट्स को आपने लिबरल खांचे में डाल रखा है, ये कॉम्युनल कैटेगरी में डाल रखा है। एक चीज जान लीजिए, आप ओवैसी की वकालत कर रहे हैं क्या? मैं वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैं एक थ्योरेटिकल प्रिमाइस आपके सामने दे रहा हूँ जाने के लिए। ओवैसी की वकालत, जब आप माइनॉरिटी, जब माइनॉरिटी के नाम पर पोलराइज करेगा तो मेजोरिटी मेजोरिटी के नाम पर पोलराइज करेगा। कांग्रेस की पॉलिटिक्स यही रही थी कि हिंदू वोटों को कास्ट के नाम पर डिवाइड करो, मुसलमानों के 20-18% वोट को गोलबंद करो। दूसरी पार्टी ने आई, बोला कि अच्छा ठीक है, ये 18% तो वोट देता ही नहीं है हमको, सबका साथ सबका विकास हम चाहे जितना कर लें वो देने की कोशिश ही नहीं करते हैं, चाहे आप कुछ कर लीजिए। ऐसी स्थिति में नहीं, सुनिए सुनिए सर, सुन रहे हो, सुन लीजिए, धैर्य रखिए थोड़ा सा। तो आप उनको, आप उनके सलाहकार बन जाते हैं, कहते हैं कि अच्छा देखिए ओवैसी जो है वहां से चल करके बिहार में इलेक्शन लड़ रहे हैं, सेकुलर वोटों को तोड़ रहे हैं। कल जाकर के यही बात भारतीय जनता पार्टी का है कि शिवसेना, बाकी अन्य दल, हिंदुओं को सपोर्ट करने वाली पार्टियां हिंदुओं के वोटों को डिवाइड नहीं करे। तब आप कहेंगे कि देखिए पूरा का पूरा कैंपेन जो है वो कॉम्युनल कैंपेन है। ठीक है।